अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हसन चौधरी, मेरे साथ मौजूद हैं आमना इसानी। वी आर एट द पाकिस्तान पवेलियन एट एक्सपो 2020, जहां पे हमारी बहुत ख्वाहिश थी आने की, इवन दो हमारा पैक्ड स्केड्यूल है। जब हम दो दिन के लिए यहां पे आए हैं, जी हम दो दिन के लिए यहां पे आए हैं, एंड वी कुडंट गो बैक विदाउट विजिटिंग द पाकिस्तान पवेलियन। इट्स वन ऑफ द थिंग्स दैट आर मेकिंग अस प्राउड राइट नाउ, अदर देन द G20 क्रिकेट। अगर मैच होता तो हम वहां भी जाते, क्या पता है हो ही हो। अगर हो रहा था तो आपको पता ही पता था। एग्जैक्टली, बट वी आर सो प्राउड टू बी हियर। 6 महीने के लिए ये रहेगा पाकिस्तान पवेलियन। एवरी मंथ दे आर सेलिब्रेटिंग अ न्यू रीजन ऑफ पाकिस्तान, एंड दिस मंथ इज डेडिकेटेड टू पंजाब। एंड सिंस वी आर बोथ पंजाबीज, वी कांट स्टॉप मूविंग टू द बीट ऑफ द भंगड़ा। एंड वी केम एट द राइट टाइम। एक्सपो के बारे में आपको पता ही होगा, बहुत बड़ी एक एग्जीबिशन होती है, हर 5 साल बाद दुनिया के डिफरेंट मुल्कों में होती है। इस बार दुबई में होनी, एक्चुअली पिछले साल होनी थी 2020 में दुबई में, बहुत उसको प्रमोट किया जा रहा था, कोविड की वजह से थोड़ी डिले हो गई, अब यहाँ पे हो रही है। अगर आप लोग प्लान करें दुबई आने का, ज़रूर पाकिस्तान पवेलियन पे आएँ। अब हम जाएंगे अंदर और आपको दिखाएंगे कि पाकिस्तान का पवेलियन अंदर से कैसा है। और बाय द वे, अगर आपको नहीं पता, इस बार आई थिंक एक्सपो दुबई एक्सपो में पाकिस्तान पवेलियन इज बीइंग कंसीडर्ड वन ऑफ द टॉप थ्री पवेलियंस, जो कि बड़ी खुशी की बात है हमारे लिए और बड़ी प्राइड की बात। Cried a little. It was just very emotional time for me. But I come walking. Coming here, you mean? No, seeing the entire thing, and this, it's just such a matter of pride that you know. You feel so proud to be here. True. And we're very glad that we got this opportunity कि हम ना सिर्फ खुद experience करें पाकिस्तान pavilion को, लेकिन आपके साथ भी share करें। तो आए, आपको दिखाते हैं कि अंदर क्या हो रहा है। और मोहम्मद से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि वो आपको बाहर से भी थोड़ी सी वाइब इसकी कैप्चर कराएं। आपने देख तो लिया कि भंगड़ा हो रहा है, क्योंकि आमना ने जैसे आपको बताया कि हर 5-6 महीनों का एक्सपो है, तो हर उसको डिवाइड कर दी गया उस टाइम फ्रेम को डिफरेंट प्रोविंस के लिए, डिफरेंट रीजन। तो पहले 1 महीना बलूचिस्तान था और अब पंजाब की बारी। तो आए, by one of Pakistan's most acclaimed and award-winning artists, Rashid Rana. So वही बात है, जब आप सही लोगों को delegate करते हैं चीज़ें, तो चीज़ें सही होती हैं। और everything in the Pakistan Pavilion is designated to the right people. I mean, Naheed Mashukula is such a big name in architecture. She's done a lot of it. Noorjahan Bilgrami, another big name. S. Abdullah, another big name. So yeah, so right people get together, you get the right results. And I'm very happy. पकौड़ों की खुशबू आ रही है आपको? मुझे बन कबाब खाना है। आए, आए, आए. मोहम्मद आप फॉलो करते हैं। हो गया है, इट्स एक्चुअली सो रेयर फॉर अस टू सी पाकिस्तान इन द एंटायरिटी दैट यू डू हियर, मतलब फ्रॉम द हिस्ट्री टू द आर्किटेक्चर टू द नेचर दैट वी हैव ऑल 6 सीजन्स, आई मीन नॉर्थ से लेके साउथ तक।
वो इतना ओवरवेलमिंग एक्सपीरियंस है एंड आगे यू नो देयर इज सो मच आर्ट हियर. आई एम सो हैप्पी. इट्स सच एन इमोशनल मोमेंट. काट दो और ना मजाक उड़वाओ मेरा. Rat, surreal is the word, Amna. Absolutely surreal, and it's absolutely overwhelming. I don't think I'm going to forget this experience. And a great sense of pride. Yes. तो अगर आप लोग दुबई में हैं या दुबई ट्रैवल करने वाले हैं तो प्लीज पाकिस्तान पवेलियन को जरूर विजिट कीजिएगा आके एट द दुबई एक्सपो. आई वांट टू गिव अ स्पेशल शाउट आउट टू द ऑन ग्राउंड टीम हियर दैट्स वर्किंग ऑल डे 12-13 घंटे. बड़ी मेहनत का वो लोग काम कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से लोगों को फैसिलिटेट कर रहे हैं. सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू पाकिस्तान, to the entire team responsible for creating this beautiful pavilion. I don't think Pakistan has been branded so well and so aptly ever, at least in my lifetime. Yeah, absolutely. So, मैं और आमना अब आपसे इजाजत लेते हैं लेकिन बहुत जल्द मिलेंगे. तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा. पाकिस्तान जिंदाबाद. जिंदाबाद.